हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, लव रीडिंग आपके पार्टनर के लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन को आपकी कद्र है, क्या आपकी कोई वैल्यू है। अगर आप ऐसे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं जिससे भी आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपके सोलमेट हैं, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम है, तो क्या वो आपको उतनी वैल्यू करते हैं, क्या वो आपकी कद्र करते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है जिसके लिए मैंने 3 पाइल्स आपके लिए रखी है। क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। आप अपने पाइल्स चूज कर लीजिए। पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आप चूज कर लीजिए कौन सी पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ठीक है गाइड्स, पाइल 1 से मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कि क्या कदर है आपके प्यार को आपकी या नहीं। आज की ये रीडिंग ही हमको जवाब देगी। ठीक है, वाओ, पहला कार्ड ही हमारे पास है 10 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड। अलग सी एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके प्यार में तो सब कुछ है, कभी प्यार कभी तकरार, ये दोनों ही चीजें इक्वली चल रही है। जितना प्यार है उतना ही वो आपसे लड़ते भी हैं। आपके जो पर्सन है इस तरह से हो सकते हैं झगड़ालू, आर्गुमेंट करने वाले, बट यस, वो आपके लिए पोजेसिव बहुत ज़्यादा है। आपको किसी और के साथ वो नहीं देख सकते, काफ़ी पोजेसिव है। और यस, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास आए हैं तो डेफिनेटली मैं श्योर हो चुकी हूँ इन्हीं कार्ड्स को लेके कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आप ही उनके बेहतर पार्टनर बन सकते हैं, और वो आपके साथ जब भी टाइम स्पेंड करते हैं उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक ही जैसे था कि क्या आपके पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं। जी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आ चुका है रीडिंग में जो दिखाता है 100% यस, आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और वो बहुत ज़्यादा पजेसिव है आपको लेके। वो किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, बात भी अगर आप करें तब भी उनको पसंद नहीं आता कि आप कोई दोस्त भी बनाए, मेल या फीमेल, और ये दोनों ही तरह की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ किसके लिए देख रहे हैं। तो इतना दिखता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। देखिए, वैल्यू है तभी तो इंसान ऐसा सोचता है। पोजेसिव है, आपको किसी के साथ बात करते हुए नहीं देख सकते। देखिए, वो आपकी वैल्यू है उनकी नज़रों में, तभी तो ये इंसान ऐसी फीलिंग रखता है, नहीं तो क्यों रखता है। बस प्रॉब्लम आपके आपके पार्टनर की एक ही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड। दिल में इतना प्यार होने के बावजूद शायद वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि हाँ, आप उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखती हो। ये बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ हिज हर ईगो। ईगो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा अपनी चलानी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ वो दबा के रखते हैं, उन्होंने खुल के आपको नहीं बताई है कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या हो, आप उनकी ज़िंदगी में प्यार हो, पैशन हो। ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी उनको अच्छा फील होता है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। बार बार मेरे मुँह से यही निकल रहा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। आपसे दूर रह के इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब आप झगड़ा कर लेते हो, शायद अभी बात भी नहीं कर रहे होगे आप, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बट इस वक्त मुझे लगता है कि जैसे कि आपकी बात नहीं हो रही है, और
उन्होंने काफी पेशेंस रखा हुआ है। ये जो कार्ड्स आए हैं मुझे यही दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में शायद उतने अच्छे से बात नहीं हो रही है। आप भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, ठीक है, नंबर 10 एंड 10, ठीक है। तो नंबर टेन यही दिखा रहा है कि 100 200% मैं बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि डबल डबल बार आ गया है ये कार्ड फैमिली वाला, तो मैं डबल डबल बार ही आपको बोलूंगी, दो दो बार ही आपको बोलूंगी कि इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इतनी वैल्यू कि शायद किसी और को कोई और उनकी लाइफ में वो जगह नहीं बना पाएगा जो जगह आपने उनके दिल में बना ली है। वो बस बता नहीं रहे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बताते नहीं है आपको कि आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। अगर वो बताते भी हैं तो आप शायद भरोसा नहीं करती हैं, इस वजह से भी वो आपको नहीं बताते हैं कि आपको तो भरोसा करना नहीं है। आप झगड़ा करने लग जाते हैं, झगड़ा दिख ही रहा है कि होता तो जरूर है आप दोनों के बीच में, छोटी छोटी बातों को लेके। और जिन्होंने भी पाइल चूज किया है, वार्ड में, एक सेकंड, मैं इस टेक्स्ट से भी देखना चाहती हूँ इसमें से क्या आंसर आते हैं। पाइल 1, किसी चीज का तो डर है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और भी एंगेज्ड हैं, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए अगेन नंबर 10 दिख रहा है, लेकिन इसमें मुझे आप लोगों की सिचुएशन भी समझ में आ रही है। ये देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन कहीं फंसा हुआ है। जिस किसी से भी आप प्यार करते हैं वो कहीं पे बुरी तरह से फंसे हुए हैं और वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी किसी का तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, उनकी फैमिली ही है आप दोनों के बीच में, और कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं होता, आज वो आपकी लाइफ में होते, उनको काफी तकलीफ हो रही है। आप देख सकते हैं इन कार्ड्स में ही मैं उनकी सिचुएशन देख रही हूँ। उनको आपसे दूर रह के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी वो पसंद नहीं कर रहे हैं। सेक्रीफाइस किया गया है, सी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी फैमिली के लिए। ये वो रीजन है जिसकी वजह से वो आपके पास आके खुल के नहीं बोल पाते हैं। उनको डर है कि अगर उन्होंने आपको बोला तो वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। काफी कोई लोग हैं उनकी लाइफ में जिनकी वो लाइफ नहीं खराब करना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने किया है सेक्रीफाइस। ये वो रीजन है आपसे दूर होने का। ये बिल्कुल भी रीजन मैं बोलूंगी गलत होगा अगर आप सोचते हैं कि उस पर्सन को आपकी कदर नहीं है, आपकी उसने वैल्यू नहीं की, तो आप 100% गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने पर्सन को समझने में गलती कर चुके हैं। अभी मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। हम गाइडेंस मांगते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में हमेशा गाइडेंस देना पसंद करती हूँ। देखिए ये एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि आपका प्यार बिल्कुल सेफ है, अपने दिल को ओपन करो, समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो। वो पर्सन आपका है, आपका ही रहेगा, कहीं और नहीं जा सकता। अपने दिल को ओपन करो, इस प्यार की एनर्जी को इतना ओपन करो कि आप गिव एंड टेक इक्वली कर पाए। अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है। आप शायद अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हैं और इसलिए उनको गलत ना समझे। आप वेट कीजिए, ठीक है, सही वक्त के आने का। अब तक अगर आप यही जानना चाहते हैं तो मैंने आपको आपके इस सवाल का जवाब तो दे ही दिया है कि वो पर्सन आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। मैं आप लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ उनकी, आपके पर्सन की तरफ से वो आपको क्या कहना चाहते हैं। यू लव अनकंडीशनली, अनकंडीशनली। देखिए आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप मेरी रीडिंग, मैं नहीं चाहती कि आप शायद शक की वजह से देख रहे होंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो पर्सन आपको प्यार करता है, आपकी वैल्यू करता है। वो मुझे इस कार्ड ने बताया, भले ही आपने ये रीडिंग देखी है बट आपको भी पहले से पता था। यू लव अनकंडीशनली, आप बिना किसी शर्त के उनको प्यार करते हो और उनको समझते हो। ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आया है कि जो भी सिचुएशन है आप भली भांति अच्छे से जानती हो अपने पर्सन को,
इस वजह से आप शायद शिकायत भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? आपसे बात करके देखिए उनका मूड अच्छा हो जाता है। मैंने पहले भी बोला, जब भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको बहुत अच्छा टाइम फील बहुत मूड उनका अच्छा हो जाता है, उनको खुशी होती है। ये भी इस कार्ड में मुझे आपके लिए बताया है। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है, ये मुझे बताता है कि टाइम, जब भी वो आपके साथ बैठते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं रहता है कि उन्होंने कितना वक्त आपके साथ बिता लिया। जितने भी पल उनको आपके साथ दिए जाएं, उतने पल उनको कम लगते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं। एक्चुअल वो उनकी एनर्जी यही है। तो लाइक कीजिए गाइस, मेरी इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। और यस, मैं हमेशा गाइडेंस जरूर देती हूँ। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए और झट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पाइल टू, जिन्होंने भी पाइल टू सिलेक्ट किया था, मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन आपकी कदर करते हैं या नहीं, क्या उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू है या नहीं। देखते हैं कौन सी एनर्जी आती है पाइल वन के लिए। देखिए पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव रहने से ही सब कुछ होता है, ठीक है? अब किसी से प्यार करते हैं तो यस, भरोसा तो जरूर होना ही चाहिए, इतना भी होना चाहिए कि आप बिना किसी से कुछ पूछे अपने पार्टनर के दिल में क्या है वो समझ जाएं, ठीक है? चलिए मैं बताती हूँ अब क्या बात है। फाइल वन की भी रीडिंग ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, फाइल टू की भी रीडिंग वैसे ही स्टार्ट हो रही है। लगता है एक जैसी ही एनर्जी आने वाली है। आज मैंने किसी की कल मैंने रीडिंग भी की थी पर्सनल, किसी की इस तरह से ही दिखाई दे रहा था। उसमें भी लग रहा है आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जी भी वैसी ही है। मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, क्या कार्ड आते जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपके जो पर्सन है ना, मैं बोल दूं कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा सोचते हैं, इमोशंस को कंट्रोल में कैसे किया जाता है उनको बहुत अच्छे से आता है। ये जो पर्सन है ना, कभी आपको बताएगा नहीं कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनकी जिंदगी में। वैल्यू है, मैं कह दूं कि ओवर पोजेसिव है। वो आपको किसी और के साथ बात करते हुए भी नहीं देख सकते और वो आपको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में। इतना ईगो है कि खुल के बोलेंगे नहीं कि हाँ आप उनकी या उनके क्या लगते हो, क्या वैल्यू रखते हो, कभी नहीं बताएंगे ये आके पर्सन। इनके लिए बता खुल के आके बताना, आई लव यू बोलना, अपने दिल की बात शेयर करना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ करती हूँ, ये बोलना इसको अपनी ईगो की वजह से बहुत मुश्किल होता है। सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको, जिससे भी आप प्यार करते हैं। इसका रीज़न एक और भी बता दूं कि आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर है या फैमिली है, और इनका वहाँ पे भी यही रवैया है। थोड़े से झगड़ालू टाइप के लग रहे हैं आपके पर्सन, जिससे भी आप प्यार करते हैं। बट ऐसा है कि आपको भूल भी नहीं पाए। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आपके लिए पजेसिव भी बहुत ज़्यादा है और चाहते तो हैं कि आप उनका कोई प्रपोजल शायद दे रहे हैं, वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने शायद आपको कुछ छोटा सा ही ऑफर दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं आपके जो पर्सन हैं। छोटा सा देख के भी उनको लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ऐसे भी उन्होंने कई बार बोला होगा आपको। आपसे अगर उन्होंने कभी बात भी कर ली ना, तो उनको यही लगता होगा कि हाँ मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। इमोशंस हैं, अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं आपको बोल देती कि नहीं ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही रहने वाला है। बट यस, इस कार्ड ने आपको बचा लिया। सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ पे, सेक्रीफाइस इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन की
कोई और फैमिली भी है जिसकी वजह से ये नॉन एक्शन में है। मुझे एक्शन इनका नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे भी रहा है तो छोटा सा, जैसे कि कभी कभी आके बात कर लेना और ईगो दिखाना, इस तरह से ही आपसे बात करते हैं। जितना ये प्यार करता है, प्यार बहुत ज्यादा है, बट ये कभी एक्सप्रेस करने वाला पर्सन ही नहीं है कि खुल के बोल दे। खुल के बोलना इसलिए भी इनको नहीं पसंद है क्योंकि इनको लगता है कि ये कुछ कर तो पाएंगे नहीं आपके लिए, तो क्यों मैं फालतू आपको ज़्यादा सपने दिखाऊं। क्योंकि ये पर्सन ना प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचता है, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, इमोशंस हैं। आप देख रहे हैं 10 कप्स हैं यहाँ पे, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। आपके साथ फैमिली के सपने देखता है ये पर्सन, ये चाहता है कि काश आप इनकी लाइफ में होती, ये आप जैसे ही पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते थे, अभी भी चाहते हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड आ गया सेक्रीफाइस का, ये चाहते हुए भी इन्होंने आपका सेक्रीफाइस किया बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मुझे मैसेज ये दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ तो दिल में बहुत ज़्यादा प्यार दबा के रखा है, बहुत मुश्किल से ही आप इनके दिल से ये बात निकलवा सकते हो कि ये आपको प्यार करते हैं। आपको तो ऐसे एक्सेप्ट करना होगा, ये बस यही चाहते हैं कि बिना बोले आप समझ जाओ, इनको बोलना ना पड़े। इनको बस बोलने में परेशानी है खुल के कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी कदर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे टॉपिक रीडिंग का क्या था कि ये आपकी कदर करते हैं या नहीं, ये इन कार्डों ने मुझे ये दिखाया है कि यस, ये पर्सन आपकी कदर करते हैं। बस सिचुएशन थोड़ी सी वैसी है जिसकी वजह से इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे सेक्रीफाइस तो हुआ है प्यार का, आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन करते हैं आज भी करते हैं, बट यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। आपके पर्सन को सब कुछ पता है, आपके पर्सन को, वाह, देखिए शायद आपने कभी उनको बताया भी हो या उन्होंने कभी बताया हो कि कोई तो कनेक्शन है आपके साथ ऐसा स्ट्रोंग जिसकी वजह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, 24 घंटे आप उनके दिमाग में रहती हो, ठीक है। भले ही वो नहीं बताते हैं आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन 24 घंटे आप उस पर्सन के दिमाग में रहते हैं और उसको ये भी फील होता है कि नहीं, इसके साथ मेरा कोई तो रिश्ता है, क्योंकि वो आपसे दूर होके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बोलिए, या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की भी मेरे पास यहाँ पे है एनर्जी, चाहे आप स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन बोलिए। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्योर है, ये आप जिस भी वजह से दूर हो, देखिए समाज नहीं मानेगा इस बात की तो गारंटी मैं दे सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट फीलिंग्स, यस फीलिंग एक बार आ गई तो वो कोई बदल तो नहीं सकता, वही हुआ है आपके साथ। अभी मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ, एंजल्स की गाइडेंस, आपको अभी क्या करना चाहिए। एंजल्स की गाइडेंस क्या है? को डिपेंडेंसी। देखिए अगर आप अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके अंदर कोई एडिक्शन है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। देखिए ऐसा जब प्यार होता है ना, तो सामने वाला जिससे भी आप प्यार करते हैं ना, तो वो सफोकेशन उसको होने लग जाती है कि कहाँ पे मैं फंस गया। तो प्यार करो बट इस तरह से मत करो कि सामने वाले को जेल लगने लग जाए। इतनी कोडिपेंडेंसी का मतलब यही है, ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, उनको स्पेस नहीं देने की कोशिश करते हो, कई बार मैंने बोला कि वो बोलते हैं 5-6 महीने तो हमने कुछ नहीं बोला, पर 5-6 महीने बाद भी वो पर्सन स्पेस चाहता है। देखिए आपके पर्सन का भी होता है ना, हर पर्सन का अपना अपना नज़रिया है। आप ज़बरदस्ती किसी के साथ भी रिलेशनशिप किसी को भी नहीं बोल सकते कि वो निभाए, आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो पर्सन 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 6 दिन, जितनी भी उसको ज़रूरत है आपको वो उतनी स्पेस तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आपको भी थोड़ा स्पेस देनी है अपने पर्सन को, ज़्यादा चेज नहीं करना, ज़्यादा उसके पीछे पीछे नहीं घूमना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए गाइडेंस है। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एडिक्शन में होगी, तो अपने ऊपर ध्यान रखना है कि आपका प्यार अनकंडीशन होना चाहिए, ना कि एडिक्शन कि मैं जी नहीं पाऊंगी इसके बिना, मैं मर जाऊंगी, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। जब ये वर्ड आ जाता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपको,
और ये दिक्कत आपको खुद को होगी। अभी मैं लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ, जिन्होंने भी पाइल टू चूज किया है, लव मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके पर्सन के लिए। यू मेक माई फियर मेल्ट अवे, अच्छी बात है। अब अगर उनके डर गायब हो गए हैं आपकी वजह से, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी शायद वो पहले अगर फियर्स में रहते होंगे, उनको अगर डर लगता होगा, तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डर उनके अंदर पहले थे अब नहीं है। अगर आप गुस्सा भी करते हो, ठीक है, तब भी आप उनको अच्छे लगते हो, अडोरेबल लगते हो, ठीक है। वो आपको मैसेज ही दे रहे हैं, इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। गुस्से में भी आप बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है। ये है मैसेज आपके पर्सन के, जिन्होंने भी पार्ट टू चूज किया है। लाइक कीजिए गाइस, लाइक किए बिना मेरी इस वीडियो को स्किप करना मना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं रीडिंग करूँगी पाइल थ्री, ठीक है। पाइल थ्री वालों के लिए ये पाइल थी, चलिए अब देख लेते हैं पाइल थ्री वालों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। आप प्रे कर लीजिए ताकि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिल सकें। आपके पर्सन आपकी कदर करते हैं या नहीं? यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, स्ट्रगल दिख रहा है, आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी दिख रही है, फैमिली दिख रही है, उनकी कहीं एंगेजमेंट हो गई है, कोई रो रहा है, कोई स्ट्रेस में है, प्यार भी खूब है। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिख रहा है जिन्होंने भी पाइल थ्री चूज किया है। सी, दिल टूटा हुआ है आपका, नो डाउट। यहाँ पे मैं पहले बोल दूँ सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ठीक है। कम्युनिकेशन शायद हो रहा है, नहीं हो रहा है तो देखिए 8-10 दिन में आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। अब बात करती हूँ आपके पर्सन की, क्या वो आपकी कदर करते हैं या नहीं, इसका जवाब इस कार्ड ने दे दिया है। इट इज़ येस, वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कदर भी करते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं। और जब ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली इट इज़ येस, बहुत वैल्यू है, आप बहुत कदर करते हैं वो। बट यहाँ पे दिख रहा है फैमिली, ठीक है। मैं यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो पर्सन लड़ रहा है अपनी फैमिली के साथ ताकि आपसे वो शादी करने के लिए हाँ कर दे, और उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल मुझे दिख रहा है और कर भी रहे हैं, अगर आपको नहीं भी पता है, स्ट्रगल तो मैं दिख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपके लिए अभी भी डटा हुआ है। कुछ तो वो ऐसा कर रहे हैं जो आपके रिलेशन के लिए होना चाहिए।
यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि शादी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ बिल्कुल भी टाइम वो आपके लिए नहीं निकालते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि उनका ध्यान दूसरों पे ज़्यादा रहता है बजाय आपके, और ये चीज़ आपको परेशान करती है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको इस वक्त अपनी थोड़ी सी हीलिंग करनी होगी, पेशेंस रखना होगा। अगर आप इस रिलेशन में हैं, आपके लिए पेशेंस की गाइडेंस तो मुझे आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। हीलिंग मीन्स अपने इश्यूज़ पे काम करो ताकि आपको स्ट्रेस से निजात मिले, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कई बार आपका दिल भी तोड़ा है। कई बार वो ना बोल देते हैं, मोस्टली वो जल्दी से ही बोल देते हैं नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा बोल के वो चले तो जाते हैं, बट कोशिश ज़रूर करते हैं पीछे। शायद ये सब चीज़ें आप नहीं जानते हैं, अभी भी वो इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। अगर वो एंगेजमेंट भी हो चुकी है ना उनकी कहीं और किसी से, उसके बावजूद भी अभी भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि हाँ कि शादी तक बात ना हो, ऐसा कुछ हो जाए कि वो आपके पास आ जाए, क्योंकि उसको पता है आपके अलावा वो कहीं और खुश नहीं रह सकते। और जैसे कि हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि क्या वो आपकी कदर करते हैं, इट इज़ यस। अभी और मैं देख लेती हूँ और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। मैंने पहले भी बोला था ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड यहाँ पे एनर्जी है, तो दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना इस वक्त तो काफी बड़ी परेशानी में तो है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। करियर वाइज भी मैं बोलूँ, फैमिली तो स्ट्रेस दे ही रही है, ऊपर से आप भी उनको नहीं मिल रहे, जबरदस्ती उनको किसी और के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कार्ड भी आया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली आने वाली है, वो सिचुएशन के साथ डील करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है आप ये मान के चलो कि सब आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल भी आप ऐसी ऐसी एनर्जी मत दो कि वो आपके बिना खुश हैं या कहीं और हैं, बिजी हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और शायद आपको ये लग रहा है कि आपके साथ कोई धोखा हो रहा है। अगर नहीं भी है, यहाँ पे गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि कोई तो है आपके आसपास जिसने फॉल्स मास्क पहन रखा है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है किसी और की वजह से ही आप अपने पर्सन के ऊपर शक ना कर रहे हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आप ही ऐसा सोचते हो कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो थोड़ा सा आपको पहचानने की जरूरत है अपने पर्सन को। अभी मैं उनके लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सपने आते हैं आपके पर्सन को, आपके सपनों में आप उनको दिखाई देते हो, ये वो मैसेज है आपको देना चाहते हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, या तो आप कभी सरप्राइज भी देते हो कि उनको वो बातें याद आती हैं आपकी, आप या तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको सरप्राइज दें। ठीक है, क्योंकि आप उनको कई बार सरप्राइज दिया होगा और आपका जो सरप्राइज देने का नजरिया है या तरीका है उनको बहुत पसंद है। ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।